फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और जय साईं। आज जैसे मदर्स डे है तो आज का जो ब्लॉग है वो मदर्स डे के स्पेशल है, मदर्स डे स्पेशल। और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। मैं ये बोल रही थी कि आज मैं ना जल्दी उठ गई थी, थोड़ा जल्दी भी बोल सकते हैं, हाँ जल्दी उठ गई थी थोड़ा, क्योंकि मुझे दुकान जाना था हमारे नागपुर में, मतलब 11 बजे तक की शॉप शुरू रहती है, तो उसके पहले मुझे जाके आना था। तो ऑलमोस्ट मैं तो जाके आके फ्रेश होके अभी आपसे कनेक्ट करी हूँ। तो अभी बज रहा है 10:45 हो रहे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग्स में बने रहिएगा, क्योंकि आज मदर्स डे स्पेशल है, तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ आगे। सो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी अच्छी देखने को मिले, अगर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा नाश्ता हो गया है। मम्मी ने मॉर्निंग में ही नाश्ता बनाया था, पोहा। तो वो पोहा अभी खा के जस्ट थोड़ा बैठी थी, तो सोचा आप लोग से बात कर लूँ और बता दूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। सो मैं ये बता रही थी आपको कि आज मैं बनाने वाली हूँ लंच, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर होंगी। तो मैं लंच में आज जो बनाऊँगी वो तो आप देखोगे अभी थोड़ी देर में, तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। एंड आज कंटिन्यू डिशेज ही है वो बनाने की, मतलब अभी लंच में जो बनने वाला है वो, देन उसके बाद सर पेन हो रहा है। एक्चुअली मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है थोड़ा, और अभी मैं कुछ टाइम ऐसा भी नहीं, अभी मैं थोड़ा लेट सोती हूँ रात में, मुझे दो दो तीन तीन बज जाता है, और आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। आज का दिन मम्मी का है तो मम्मी को कुछ करना है, इसीलिए तो चलते हैं बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, जो कि हमारा रहता है। सो देखिए मैंने आज जो बनाया था, मैंने आपको जब भी बहुत बताया था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो मैंने चिकन मसाला बनाया था, बिरयानी बनाई थी, और आगे भी आपको पता चल जाएगा, और इन सब की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। और गाइस, सबसे अच्छी एक बात बताओ, अभी मैं जो रोटी बना रही हूँ ना, मैंने अपने पापा से सीखी है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है रोटी बनाना, और सीखते कैसे है वो बनाना। सो देखिए अब मेरी थाली भी पूरी रेडी हो चुकी है, तो ये मैंने आज खाना बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सारा खाना बना के खा पी के अभी मैं फ्री हो गई हूँ थोड़ा सा। और फ्री होने के बाद अब मैं सोची थोड़ा सा आपसे बात करूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि कल हम लोग एक्चुअली ना आइसक्रीम बनाए थे, दीदी और मैंने मिलके बनाए थे आइसक्रीम। दीदी मुझे बताते जा रही थी और मैं वो बनाते जा रही थी, तो वो रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसका अभी रिजल्ट है एक्चुअली, हम लोग उसको फ्रिज से निकालने वाले हैं। तो अभी खाना वाना खा के तो वो गया था, थोड़ा टाइम हो गया खाना वाना खा के, थोड़ा साफ सफाई कर लिया अभी। अब बताती हूँ मैं आपको कि हमारी आइसक्रीम कैसे बनी है, तो आइए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे लगी आपको आइसक्रीम जो अभी मैंने आपको दिखाई? एक्चुअली वो थोड़ी मेल्ट हो गई, हम तो उसको पानी में डुबो के रखे तो वो हल्की से मेल्ट हो रही थी, मतलब उसको जैसे हम लोग बाहर निकाले तो मेल्ट हो रही थी। हम लोग उसको रखने वाले थे मटके में, बट मटका एक ही था तो नहीं रख पाए, और चार बन रही थी उसमें आइसक्रीम, तो वो साँचा था हमारे पास, मतलब हमने उसमें बना लिया था। तो खैर जैसी भी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम पूरी पूरी क्या बोलते हैं, अभी तक टेस्ट आ रहा है उसका वाला। तो अभी
अभी तक का तो दिन बहुत बढ़िया चल रहा है, बस तो खाने का ही काम करे जा रहे हैं बस, और आगे भी खाने का ही काम करेंगे। सो मैं आपको अभी थोड़ी देर से दिखाऊंगी, एक्चुअली मैं मदर्स डे का मतलब मम्मी के लिए केक बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी, मतलब बताने वाली हूँ आपको थोड़ी देर से। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, पर रेस्ट का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम जाते जा रहा है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि केक का मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, तो फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज आप बस चलते ही रहिए मेरे साथ में, मैं आज आपको कंटिन्यू खाने का ही बताने वाली हूँ। तो चलिए वापस से जैसा कि मैंने बोला था केक बनाऊंगी, केक तो बन गया, अब चलते हैं हम इसे केक कटिंग करने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, मेरा ये व्लॉग्स अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे और जल्द से जल्दी आपको फिर नोटिफिकेशन मिलेगा। और कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग्स मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्या गलती हुई, कैसे क्या कैसे करना चाहिए मुझे, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और आज का वैसे मेरा जो ब्लॉग था वो सारा खाने का ही था, तो जो मैंने बनाया था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और अब हम चलते हैं केक कटिंग करने के लिए, बाय। ये देखो मेरा शंकी कैसे सो रहा है, तो हम चलते हैं केक कटिंग करने के लिए, बाय बाय। आप भी आइए केक कटिंग करने के लिए, बाय।